रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। अंबेडकर अस्पताल में किया निरीक्षण, अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लिया। जिला अस्पताल पंडरी, अंबेडकर अस्पताल कालीबाड़ी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। मरीजों और परिजनों से मुलाकात की गई। व्यवस्था में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बड़ी खबर रायपुर से, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया अस्पतालों का औचक निरीक्षण। अंबेडकर अस्पताल में निरीक्षण किया गया, अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लिया गया। तो देखिए, अस्पतालों के औचक निरीक्षण किया गया है और उस दौरान जो मरीज वहां पर पहुंचे तो उनसे बातचीत भी की गई है। जिला अस्पताल पंडरी, अंबेडकर अस्पताल कालीबाड़ी अस्पताल का निरीक्षण हुआ है। मरीजों और परिजनों से मुलाकात की गई। व्यवस्था में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता तनु जुड़ गए। तनु, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, क्या अनियमितताएं पाई गई हैं, क्या कोई एक्शन भी लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल आज राजधानी रायपुर के कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं, जहां राजधानी के मेकाहारा, इसके साथ ही कालीबाड़ी के अस्पताल में और पंडरी के जिला अस्पताल में उन्होंने औचक निरीक्षण जो है वो किया है। और इस दौरान वो अस्पतालों में संचालित व्यवस्थाओं का जो है उन्होंने जायजा लिया, साथ ही वहां पर एडमिट मरीजों से उन्होंने बातचीत की है, उनके परिजनों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना है। इसके अलावा और जस्ट कई तरह की जो अव्यवस्थाएं वहां पर व्याप्त हैं उसके बारे में जानकारी ली है। साथ ही अस्पतालों के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है और किसी के तरह की अव्यवस्थाएं होती तो उसकी जानकारी उन्होंने ली है। और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों में उन्होंने लगातार हेल्थ मिनिस्टर जो है वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जहां पर जिस तरह की अनियमितताएं पाई जा रही है उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी समस्याएं वहां पर व्याप्त है उसका त्वरित निराकरण का काम भी वहां पर किया जा रहा है। कुछ गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल के इस औचक निरीक्षण को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर और रेप मामले में भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अब हेल्थ मिनिस्टर भी लगातार सरकारी अस्पतालों में निरीक्षण पर निकल रहे हैं और इसे सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं सुरक्षा के लिहाज से अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था है ये वो देख रहे हैं। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने आज सभी अस्पतालों में बंदूकधारी जवानों की सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की बात उन्होंने की है। सेना के जवानों को यहां पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा और भी जो समस्याएं व्याप्त है अस्पतालों में उसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश जो है उन्होंने दिए हैं और उन्होंने ये अस्पतालों में प्रभारी चिकित्सकों को ये आश्वासन भी दिया है कि अगर सभी अस्पतालों में किसी भी अस्पताल में किसी तरह की अव्यवस्थाएं व्याप्त है तो उनको सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएगी ताकि आम जन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है तनु, क्योंकि जितने भी जिला अस्पताल होते हैं अक्सर ये देखा जाता है कि उन अस्पतालों में बेवजह भी लोग आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, न सिर्फ डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट जैसी घटनाएं, बल्कि बच्चा चोरी हो जाना, मरीज के पैसे चोरी हो जाना, परिजनों का सामान गायब हो जाना, ऐसी तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इस लिहाज से भी सुरक्षा तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह के मामले भी अस्पतालों में आजकल सामने आते हैं, चाहे मरीजों के साथ अभद्रता की हम बात करें या परिजनों के साथ हम बात करें। हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक इलाके से ऐसा भी एक मामला आया था जहां पे लैब टेक्नीशियन ने इलाज से मना कर दिया था, जिसके बाद मासूम बच्चे की इलाज न मिलने से मौत हो गई थी। तो लगातार इस तरह के मामले अलग अलग इलाकों से सामने आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से हेल्थ मिनिस्टर का ये जो औचक निरीक्षण है वो भी कई मायनों में अहम होता है। और इसके साथ ही जो कोलकाता में ये जो मामला हुआ है उसे भी हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। तो लगातार हेल्थ मिनिस्टर अलग अलग इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से जायजा ले रहे हैं और जान रहे हैं कि किस किस अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है, जिस अस्पताल और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके का निरीक्षण लगातार होते रहना चाहिए ताकि जो कर्मी है वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहे। बहुत शुक्रिया आपका तनु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक तरफ लगातार अस्पतालों के निरीक्षण किए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ छतरपुर में पुलिस थाने पर हमले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि छतरपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनके इलाज के लिए समुचित निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। छतरपुर में पुलिस थाने पर हमले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने
लिखा कि छतरपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनके इलाज के लिए समुचित निर्देश दिए गए हैं। वही मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, जिस तरीके से हमला हुआ और छतरपुर में पुलिस थाने पे हमले के बाद पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया है और साफ तौर पर चेता दिया है कि एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके की जो भी काम होंगे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सिटी कोतवाली थाना है, वहां पर कल कुछ असामाजिक तत्व उग्रवियों ने पथराव कर दिया था, वो वहां ज्ञापन देने गए थे लेकिन उग्रवी भीड़ ने वहां बड़ी तादाद में पथराव कर दिया और यहां तक कि जो वहां टीआई थे और पुलिसकर्मी थे उनको काफी गंभीर चोट आई। उसके बाद सीएम मोहन यादव को पूरी जानकारी लगी और उन्होंने रिपोर्ट तलब की अफसरों से और स्पष्ट कर दिया, तो देर रात ट्वीट भी किया कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, यहाँ कोई भी सुनियोजित तरीके से अगर कानून को हाथ में लेगा यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आला अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सीसीटीवी जो फुटेज है उनको देखा जाए। थाने पे जितने लोग ज्ञापन देने आए थे और जो पथराव करने वाले उपद्रवी जिन्होंने थाने के अंदर तक पथराव किया, लगातार हमला किया, उन सबकी पहचान की जाए सीसीटीवी फुटेज से और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना करे। तो सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वाले कोई भी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद देर रात से ही पुलिस ने लगातार वहां पेट्रोलिंग करके और जितने भी सीसीटीवी फुटेज में चेहरे उनके गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है और इन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी धारा में केस दर्ज किया जा रहा है ताकि इस तरह की घटना जो पुलिस थाने पर हमला किया गया है तो सीएम के तेवर के बाद कार्रवाई लगातार जारी है और सभी उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन में है। सीएम ने अपने ट्वीट में स्पष्ट भी कर दिया कि प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे यही प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा और वो जेल तक जाएगा। तो बड़ा स्पष्ट मैसेज है सीएम का कि प्रदेश में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से चेता दिया गया उन बदमाशों को जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि कड़े कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। भिंड से खबर है जहां पर एसडीआरएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, नदी के तेज बहाव में फंसे दो जवानों की तलाश जारी है। ग्वालियर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम भी ग्वालियर से भिंड पहुंची है। ग्रामीणों को बचाने उतरे थे एसडीआरएफ के जवान, एक ग्रामीण की मौत हुई, दो जवानों की तलाश जारी है। नदी में फंसी गाय को बचा रहे थे ग्रामीण, ग्रामीणों को रेस्क्यू करने पहुंची थी एसडीआरएफ की टीम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां भिंड में एसडीआरएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी के तेज बहाव में फंसे दो जवानों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी ग्वालियर से भिंड पहुंची है और ग्रामीणों को बचाने उतरे एसडीआरएफ के जवान जो कि गायब हो गए हैं, अब उनकी तलाश की जा रही है। उसी व्यक्ति के उसी की गाय थी, उसको बचाने के लिए गया तो वो भी उसमें फंस गया, वो फंस गया तो उसको बचाने के लिए एक गांव का लड़का, मतलब उसी का भाई शायद सुनील सिंह भदौरिया, वो बचाने के लिए गया तो वो उसमें फंस गया। तो देखिए आप, पहले गाय को बचाने के लिए ग्रामीण उतरे नदी में, ग्रामीण फंस गए, उसके बाद एसडीआरएफ के जवान पहुंचे रेस्क्यू करने, वो भी फंस गए, उसके बाद अन्य एसडीआरएफ के जवान पहुंचे हुए हैं जहां पर अब जो जवान गायब हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है, यानी कि गाय को बचाने के चक्कर में कई जिंदगियां फंस गई। संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए। रवि रमन, ये पूरा मामला जब सामने आया उसके बाद सुरक्षा गार्ड पहुंचे, एसडीआरएफ के जवान पहुंचे लेकिन अब वो भी फंस चुके हैं, देर रात से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी क्या अपडेट है, क्या कोई जानकारी, कोई सुराग मिल पाया जवानों का?
जी रीनू, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो कचौंगरा गांव है, वहां उसी गांव के किनारे से कुंवारी नदी निकलती है। कुंवारी नदी पे पानी पीने के लिए जब गाय गई तो गाय को जब डूबने लगी, तो कि इस समय कुंवारी नदी जो है वो उफान पर चल रही है, तो इसको लेकर जब ग्रामीणों ने गाय को बचाने का प्रयास किया तो जिसकी गाय थी विजय सिंह कुशवाहा, उसकी डूबने से मौत हो गई थी, वो मिल नहीं रहा था। जिसके बाद उसी के भाई सुनील और उसके एक साथी के द्वारा जब पानी नदी में जब प्रवेश करे तो वो भी तेज बहाव के कारण वो भी डूबने लगे थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीआरएफ टीम को, भिंड की टीम को मौके पर बुलाया, तो मौके पर जब एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है तो चार लोग बोट में सवार होते हैं, एक ग्रामीण और तीन एसडीआरएफ के जवान, एक जिसमें प्रवीण, हरदास और राहुल, तीन सवार होकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बोटिंग जो होती है इलेक्ट्रिक, उसमें क्या होता है जैसे ही वो भंवर में जाते हैं, जो रपटा है पानी तेज बहाव था, जैसे ही वहां पर पहुंचते तो वो इंजन में पानी भर जाता है और इतना तेज बहाव होता है कि वो नाव पलट जाती है। जब वो नाव बोट पलट जाती है तो उसमें जो तीन एसडीआरएफ के जो जवान थे उसमें से राहुल और एक ग्रामीण तो तैर के और लाइफ जैकेट की सहायता से बाहर निकल आती है, लेकिन दो जो हरदास और प्रवीण हैं इनकी लाइफ जैकेट शरीर से हट जाती है। तो जैसे ही वे फिर खूब प्रयास करते हैं, लेकिन इतना तेज बहाव होता है रपटा का, इतना तेज पानी का प्रवाह रहता है और वो भंवर जो बन जाता है उसमें ये दोनों लोग फंस जाते हैं और तेज बहाव के साथ बहते हुए चले जाते हैं। इतना तो ग्रामीणों के द्वारा देखा गया है और इतना घटनाक्रम सामने आया है। चूंकि मामले की गंभीरता इसलिए बनी हुई है, बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जो टीम बचाने गई थी वही टीम, उसी टीम के दो सदस्य अभी तक लापता हैं। करीब 12 घंटे होने तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी सर्चिंग की जा रही है। शुक्रिया, आप लगातार नजर बना के रखिए रवि रमन, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से खबर है, बदमाशों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया, तलवार और रॉड से किया गया हमला, परिवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोट आई है। अतुल सजान नाम के बदमाश से पूरा क्षेत्र परेशान है। घटना का वीडियो सामने आया, गोरखपुर थाना क्षेत्र के हाथीताल गुरुद्वारा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है जबलपुर से, बदमाशों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया, तलवार और रॉड से किया हमला, परिवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, परिवार के कई सदस्यों को चोट आई है। अतुल सजान नाम के बदमाश से पूरा क्षेत्र परेशान है। घटना का वीडियो भी सामने आया है और ये देखिए, जब वाहन में तोड़फोड़ की जा रही थी, वाहन को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, परिवार के कई सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और ये जो बदमाश है क्षेत्र में, इसकी दहशत बनी रहती है क्योंकि ये बदमाश आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मारपीट और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। एमपी में आंगनबाड़ी वर्कर्स का बीमा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 लाख रुपए का बीमा कराएगी सरकार। दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर होगा, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर होगा। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बहुत खुशखबरी है, बड़ी बड़ी खुशखबरी दी है यहाँ पर सरकार ने। जब एमपी में आंगनबाड़ी वर्कर्स का बीमा होगा, 2 लाख रुपए का बीमा कराएगी सरकार। दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। और एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी मदद भी कह सकते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था लागू थी नहीं, लेकिन अब सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए एक ये बहुत बड़ी सौगात दी है। जहां दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए का कवर बीमा कवर मिलेगा। खबर भोपाल से है, जहां पर हेरिटेज मदिरा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा, घर में भी रख सकेंगे महुआ की शराब। बार के मेन्यू में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य, घर में 4 बोतल हेरिटेज मदिरा रखने की छूट होगी। महुआ के फूल से बनती हेरिटेज मदिरा, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर हेरिटेज मदिरा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखने पर रखना अनिवार्य होगा, घर में भी आप महुआ की शराब रख सकते हैं, बार के मेन्यू में भी हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य बोला गया है और घर में 4 बोतल हेरिटेज मदिरा रखने पर छूट होगी।
महुआ के फूल से ये हेरिटेज मदिरा बनाई जाती है और आप ये मदिरा की चार बोतल अपने घर में भी रख सकते हैं। हेरिटेज मदिरा को लेकर ये बड़ा फैसला भोपाल में, जहां होटल बार में इस मदिरा को रखना अनिवार्य होगा। मेन्यू में भी इस मदिरा को मेंशन करना पड़ेगा, बार के मेन्यू में भी हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा। घर में चार बोतल हेरिटेज मदिरा रखने की छूट होगी। महुआ के फूल से बनती है हेरिटेज मदिरा, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। दिसंबर के पहले हफ्ते शुरू होगा रीवा का नया एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे, जहां विंध्य क्षेत्र के लोगों को एक नई हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। आप ये देखिए कि अगर अभी जो सतना, रीवा, कटनी, नागौर, मैहर, आसपास का जितना भी इलाका है, अमरपाटन, रामनगर, इन तमाम लोगों को जबलपुर से फ्लाइट पकड़नी होती है, क्योंकि सबसे पास जो एयरपोर्ट होता है वो डुमना एयरपोर्ट होता है और उसके बाद सीधे भोपाल जाना पड़ता है और इसमें भी अच्छा खासा वक्त लग जाता है। लेकिन अब रीवा संभाग के लिए, आसपास के जिलों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी अगर जब रीवा से जो हवाई सेवा, इसकी शुरुआत हो जाएगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में रीवा का नया एयरपोर्ट अब तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। विंध्य क्षेत्र के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा और आप ये देखिए कि जो एयरपोर्ट है वो पूरा बनकर तैयार है और अब जल्द ही ये माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट में अब हवाई सेवा की शुरुआत जल्द होने वाली है। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली शुभारंभ करने वाले हैं, यानी कि अब रीवा संभाग और साथ ही आसपास जो क्षेत्र है, जैसे खजुरा पन्ना की बात की जाए, सतना, अमरपाटन, मैहर, नागौद, कटनी और आसपास के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे 20 बड़ी खबर।